नमस्कार दोस्तों, एग्जाम दिवस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है और मेरा नाम ओंकार झा है। तो आज आपको मैं अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था मेरा UPPCL में, ठीक है, उसके थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा, ठीक है। और मेरे आगे बहुत सारे लोग जिनके साथ जो प्रॉब्लम्स रही, क्योंकि मेरे बाद वालों का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो डॉक्यूमेंट्स मैंने वेरीफाई कराया और मैं फरार हो गया, है ना। तो मुझसे पहले जो भी लोग थे 20-25 लोग, उनके साथ जो भी समस्याएं रही, ठीक है, तो वो चीज़ें भी मैं शेयर करूँगा। साथ ही साथ अंडरटेकिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कुछ लोगों को अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाया गया, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए मैं बताता हूँ कि पता नहीं बाकी लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा हो नहीं रहा हो, आज तक मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए हैं आज तक, जहाँ भी, उन सब में आज तक का सबसे सीमलेस, सबसे बेहतरीन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे हुआ, बिकॉज स्टाफ वॉज रियली सपोर्टिव। वो आपको आपके घर का बंदा समझ रहे थे और लिटरली में उन्होंने खुद अपनी तरफ से कोई इशू नहीं किया, ना मेरे साथ और ना मेरे अंदर जो लोग बैठे थे वहाँ पे नहीं। हाँ, कुछ लोग मेरे से पहले, उनको प्रॉब्लम रही, तो देखिए मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट पेश करे उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट मेरे प्रॉपर हैं, किसी में एड्रेस तक में मिसमैच नहीं है, सारी चीज़ें हुई मेरी, ठीक है। और अब आप बात करेंगे कि कुछ लोगों का अंडरटेकिंग भरवाया गया। देखो, अंडरटेकिंग का मतलब ये कदापि नहीं है कि आपको मीन्स आपका रिजल्ट में नाम नहीं आएगा। इफ़ यू आर डिजर्विंग, आप कट ऑफ को क्वालिफाई करते हो, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी सेलेक्टेड, नो वन कैन स्टॉप यू एनी हाउ। बट अगर आपके कट ऑफ में नंबर नहीं आते हैं तो वो अलग चीज़ है। अदरवाइज अंडरटेकिंग का मतलब ये है कि अभी बेशक से आपके डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन में थोड़ी कमियां हो, बट आपको भविष्य में ये समय दिया गया है कि व्हेन यू विल ज्वाइन, यानी कि आज से 2-3 महीने, जब जितना समय लगे ज्वाइन करने में, ज्वाइनिंग करते हुए आपको वो सारी चीज़ें प्रेजेंट करनी होगी। और 2-2.5 महीने में तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है। जैसे एक मुझे याद है कि मेरे से 2-3 नंबर आगे गर्ल गई थी, ठीक है, एक लड़की गई थी, तो उनके साथ क्या समस्या आई कि वो शायद मध्य प्रदेश से थी, जिनका जैसा कि मैं उनकी डॉक्यूमेंट में देख पाया था, उनके नाम में लिखा था KUMARI, कुमारी कुछ नाम था उनका, कुमारी की जगह सिर्फ KUMI लिखा हुआ था डॉक्यूमेंट में, एक डॉक्यूमेंट में, बाकी सब में वो लिखा था। तो KUMI जो उनके मार्कशीट में लिखा था, आपके उनके 10th क्लास की मार्कशीट में, तो उससे उन्होंने इशू बनाया और अंडरटेकिंग करवा लिया। तो शी गॉट पैनिक, वो परेशान हो गई बहुत ज़्यादा, अंदर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब रिक्वेस्ट करने लग गई और सारी चीज़ें, बट वो नहीं माने, उन्होंने ये बोला कि आप अंडरटेकिंग कर दो। तो वो कुल मिला के 90% वो रो चुकी थी, बट देन फिर मैंने उनसे बात करी, मैंने उन्हें बताया भी कि एक्चुअली में कुछ नहीं है, आपको अपने स्कूल की जो भी समस्या है स्कूल में अपने जाइए, आप इसको ठीक करा लीजिए, या जो भी आपका बोर्ड है वहाँ ठीक करा लीजिए, आपको तो हाथों हाथ ठीक हो जाएगा, ये आप जाकर ठीक करा लीजिए। कह दिया अच्छा, मेरा नाम आ जाएगा, मेरा ऑब्वियसली बात है, अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई करोगे तो वही बात मैं आपको भी कह रहा हूँ कि अगर आपने कट ऑफ क्वालिफाई किया है तो आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। रही बात, UPPCL ही आखिरी नहीं है किसी के लिए पढ़ाओ, ना मेरे लिए ना आपके लिए। हाँ, आप लोग कहेंगे कि मैं डीबी कराने क्यों गया, ठीक है, बहुत सारे रीज़न होते हैं, फैमिली का रीज़न है, बाकी सारे रीज़न है, और मैंने ही पता किया। एक्चुअली देखो मैं बताता हूँ, मेरे जानने वाले जो असिस्टेंट अकाउंटेंट्स हैं वो RBUNL में है, RBUNL में, ठीक है। UPPCL का कोई असिस्टेंट अकाउंटेंट अभी तक मुझे मेरे जानने वाले में नहीं था, पहली बार। और जो मुझे जो UPPCL में जिनसे मेरी जान पहचान है वो बहुत बड़े अधिकारी हैं, तो उन्होंने तो बोला बेटा ज्वाइन कर लो, बट मेरा ये मानना है कि एक अकाउंट्स के बंदे की जानकारी एक अकाउंट्स का बंदा दे तो ज़्यादा बेहतर है। दैट्स वाई मैं कई ग्रुप में भी गया, मैंने पता भी किया, कई जगह लोगों ने मेरी आवाज़ रिकग्नाइज कर लिया क्योंकि मैंने वॉइस नोट बना के भेजा था, ठीक है। उनमें से एक दो लोगों ने मुझे कॉल किया, उनने मुझसे बात करी। हाँ, कुछ लोग तो होते ही हैं टाइम खींचने वाले, वो कह रहे हैं देखो यहाँ आगे इसको कुछ नहीं पता, बकैती करता है खाली। देखो, मुझे कोई भी डेटाबेस लेना है, कोई भी डाटा कहीं से भी लेना है, तो ऑब्वियस ही बात है भाई, मैं भी टेलीग्राम ग्रुप पे ही घूमता हूँ, और मैं ही नहीं भारत का हर एक यूट्यूबर फेक आईडीज बना के या दूसरे नाम से आईडी बना के, वो है इंस्टाग्राम पे है, वो वहीं से पता करता है कितनी कटअप जा रही है, जादू नहीं है किसी के पास, ठीक है। तो मैंने भी पता किया,
कुल मिला के मुझे ये पता चला, फिर मेरे को एक जानने वाले थे, मतलब हमारे ही सब्सक्राइबर में से कोई है, नाम नहीं लूँगा उनका मैं, उन्होंने मुझे अपने एक जानने वाले का नंबर दिया, मैंने उनसे बात करी, उन्होंने ये बोला कि वर्क प्रेशर इतना भी नहीं होता, आप जाके आराम से काम कर सकते हैं। तो बस मुझे यही सारी बातें आपसे शेयर करनी थी। अब रिजल्ट कब तक आएगा, 2-3 दिन में मैं आपको बता दूंगा, आपको याद होगा पिछले बार भी रिजल्ट मैंने बताया था आपका 1 हफ्ते में आ जाएगा, तो 1 हफ्ते से पहले ही आ गया था, फिर मैं बता दूंगा। लॉजिकली तो कहा जा रहा कि 20-22 तारीख तक आ जाएगा, बट मुझे नहीं लगता, जब ऑथेंटिक कुछ मुझे न्यूज़ मिलेगी तभी मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, चैनल को भर भर के प्यार दें, सब्सक्राइब करें, और UPPCL का खेल खत्म हो चुका है तो बाकी एग्जाम्स की आप तैयारी शुरू करेंगे, ठीक है। कुछ लोग कमेंट में ये बोलते हैं आके, एक से एक लोग हैं, कि यूपी पैट की कोई तैयारी होती है क्या, तो भाई मैं उन लोगों से यही बोलूँगा कि अगर आप इतने ही काबिल हैं तो आप मेरी तरह मार्कशीट ओपनली शेयर करें, ठीक है, तब आप अपनी बातें करें। मैं कोई घमंड नहीं कर रहा अपनी मार्कशीट पे, ऐसी मार्कशीट मेरे पास कई सारी हैं, ठीक है, मेरे भाई लोगों की है, मेरे दोस्त लोगों की, हम सब ने 99% स्कोर किया, परसेंटाइल स्कोर किया है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर मुझे कुछ आता है और दूसरों को वो नहीं आता, तो ये अगर मुझे मैं कन्वे कर रहा हूँ तो कोई पाप तो नहीं कर रहा, आप ही बताइएगा अगर मैं पाप कर रहा हूँ तो, ठीक है। तो धन्यवाद आप लोगों का, बाकी और वीडियोज़ के साथ हम मिलते रहेंगे।